गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, सुबह सुधारी के जो बाकी श्लोक है उसे आज मैं पूरा कर दे रहा हूं। आप लोगों को तो यह बता चुके हैं, यत्र राजसु पूज्यते रमते तत्र देवता, यत्र वास्तु न पूज्यते तत्र भुला क्रिया क्रिया। कहने का मतलब कि जहां पर नारियों की पूजा होती है बता चुके हैं, वहीं पर देवताओं का वास होता है। जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती है वहां पर देवताओं का वास नहीं होता है। वहां पर क्या किए हुए पुण्य के काल भी उसके फल भी कोई प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि वहां पर नारियों का कोई मान सम्मान नहीं है। अगला कहते हैं अथवा धर्म इच्छन्ति धनमानं च मध्यमा उत्तमानं इच्छन्ति मानुहि महता धनम्। उत्तमा धनं इच्छन्ति, नीचो सबसे जो नीच लोग हैं वो लोग जो है धन की इच्छा करते हैं। वे लोग के मन में हमेशा रहता है हमें इधर हो जाए उधर हो जाए, सिर्फ धन को ही मन में बसा कर रखते हैं। कुकर्म करके भी धन हम जमा करें उससे सिर्फ मन में एक ही बात है कि धन कैसे हम प्राप्त करेंगे। ये निज प्रकार के लोग हैं जिनके मन में हमेशा जो है धन की इच्छा रहती है, लेकिन धन मानता मध्यम हम पढ़ते हैं। जितने भी तीन ग्रेड होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड का तो हम बता चुके सबसे निम्न स्तर के लोग जो है धन की इच्छा करते हैं, लेकिन मध्यम यानी सेकंड क्लास के लोग ये लोग चाहते हैं कि धन भी हो आप मान भी प्रतिष्ठा भी। कई लोग कहते हैं धन मान च मध्यम, मध्यम श्रेणी के लोग धन और प्रतिष्ठा दोनों चाहते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग धन और प्रतिष्ठा दोनों चाहते हैं कि हमें धन भी प्राप्त हो और प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो, लेकिन सबसे उत्तम क्लास जिसको हम फर्स्ट डिवीजन कहते हैं उत्तम, ये लोग क्या करते हैं उत्तम मान विक्षन्ति मानो ही महता धन। और उत्तम वर्ग के लोग वे लोग सिर्फ सम्मान ही चाहते हैं, नौकरी धन नहीं चाहिए, उन्हें कोई संपत्ति नहीं चाहिए। सबसे जो है उच्च विचार के लोग उत्तम क्लास के लोग जो होते हैं उनके मन में एक ही कामना रहती है कि हमें मान चाहिए सम्मान चाहिए प्रतिष्ठा चाहिए। मानो ही माता धर्म और उस प्रतिष्ठा को ही उस सम्मान को ही उस मान को ही वे सबसे बड़ा धन मानते हैं, वे उसी को धन मानते हैं। एक वे उत्तम क्लास है। समझे, ये आपका जो है तीन श्रेणी के लोग हुए। पहला जो धन की इच्छा रखते हैं वो थर्ड क्लास के लोग हो गए, जो धन जिसको धन और प्रतिष्ठा दोनों चाहिए वे सेकंड क्लास के लोग हो गए। मध्यम वर्ग के आदि को सिर्फ प्रतिष्ठा ही चाहिए, प्रतिष्ठा को ही धन मानते हैं, वे उत्तम क्लास के लोग हो गए। अब आइए आगे, राजपत्नी गुरु पत्नी मित्र पत्नी तथा बचा पत्नी माता स्वा माता च पंता तई मात्र अस्मृता। राजपत्नी गुरु पत्नी राजा की पत्नी, राजा की पत्नी और गुरु की पत्नी, गुरु पत्नी और अपने गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी और अपने दोस्त की पत्नी, मित्र होता है उसकी पत्नी, तथा पत्नी माता और अपनी पत्नी का माता, अपनी पत्नी का माता स्व माता एक जन्म देने वाली माता। देखो गिरो, एक राजा की पत्नी, एक गुरु की पत्नी, एक मित्र की पत्नी, तीन आए
पत्नी की माता, आ एक को माता, एक अपनी माता, ये चारों को, इन पांचों को जो है अपनी माता के समान समझना चाहिए। जब बन जाता ही मात्रा पिता, इन्हें अपनी माता के सदृश देखना चाहिए। राजा की पत्नी को, गुरु की पत्नी को, मित्र की पत्नी को और अपनी पत्नी की माता को और जन्म देने वाली माता को, ये सभी एक ही श्रेणी में आते हैं और इन्हें मातृ का दर्जा देना चाहिए। अलाहूत परिषति अपृष्ठ बहुभात थे अभिश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ते दागराधम। अलाहूत परिषति जो बिना बुलाए हुए किसी के घर में प्रवेश कर जाता है, देखो चाहे वो आपका लाख ईष्ट मित्र है, कितना बड़ा संबंधी है, लेकिन बगैर बुलाए किसी के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अनाहुता परिषति जो बिना बुलाए किसी के घर में प्रवेश करता है, अपृष्ठो बहुभाषते और बिना बुलाए बहुत बोलता है और बिना बुलाए हुए उसे कोई पूछ नहीं रहा है और बेकार की बातें बोल रहा है। और विश्वस्ते विश्वसति और जो विश्वास के पात्र नहीं है उस पर जो विश्वास करता है, मूर्ते ताला नराधम, वह संसार में सबसे बड़ा मूर्ख है। जो विश्वास के लायक आदमी नहीं है और फिर भी जो उस पर विश्वास करता है, बिना बुलाए किसी के घर में प्रवेश करता है और बिना बुलाए विभाग का भाग बोलता है, बगैर पूछे हुए, बगैर किसी चीज का सवाल का जवाब पूछे हुए वह बेकार की बातें बोलता जाता है अपने को ज्ञानी सिद्ध करने के लिए। और हम जानते हैं कि हाँ आदमी विश्वासी है, फिर वो अविश्वास करता है। ये तीनों प्रकार के आदमी सबसे बड़ा मूर्ख है। ये तीनों आदमी जो है वे विश्वासी पर विश्वास कर लेता है और जो किसी के घर में बिना बुलाया जाता है और जो बिना जो है बुलाए हुए बोलता है, ये तीनों जो है इस संसार के सबसे बड़ा महान मूर्ख है, सबसे बड़ा मूर्ख है। बच्चों इस वस्तानी पाठ का आप लोग जो है इसे पढ़ लेंगे, कोशिश करेंगे इसका जो है टोटल जो है इसका संभाष जो है याद का आप कर लीजिएगा और इसका जो है अर्थ जो है अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा।